नहीं हो रही। ओके okay. अभी कंफर्म करें रिकॉर्डिंग ऑन है ना। अच्छा चलें ठीक है ठीक है। अच्छा ये मैं डिस्ट्रीब्यूटर कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर आपको बताने जा रही हूँ जो कि डेफिनेटली आप इनके साथ इजीली काम कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी जैसे मैंने इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि इनकी ऑथेंटिसिटी बहुत मैटर करती है कि आइदर ये ऑथेंटिक वन है कि नहीं। मैंने बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया था कि इनकी ऑथेंटिसिटी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे मेन यही होता है कि आप जो इनके ब्रांड जो नज़र आ रहे हैं ये देखिए कितने ज़्यादा ब्रांड्स नज़र आ रहे हैं। इनको आप ईमेल करें और इनसे कंफर्म करें कि आइदर ये जो है ब्रांड ये आपका ऑथेंटिक वन ये डिस्ट्रीब्यूटर आपका ऑथेंटिक वन डिस्ट्रीब्यूटर है कि नहीं। ठीक है तो ये आपको ईमेल पे कंफर्म कर देंगे। सबसे अच्छा मेथड तो यही होता है लेकिन एज सच मैंने मजीद तो आपको बताया था whois.com पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं या फिर आप गूगल पे इनका नेम राइट करते हुए उनकी वेयर हाउस की लोकेशन चेक कर सकते हैं और यानी कि वहाँ से इनके गूगल रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं। इस तरह काफ़ी इनके और भी मेथड्स हैं जो कि मैंने लास्ट टाइम आपको हाईलाइट मेंशन किए थे और उनको आपने मस्टली एक दफ़ा गो थ्रू होना है। अब इसमें ये है कि कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर बता रही हूँ जिनकी इनवाइसिस अमेज़ोन एक्सेप्ट करता है और इनके साथ आप इजीली काम कर सकते हैं। इनमें से चंद एक डिस्ट्रीब्यूटर मज़ीद मैं आपको इस वीडियो में जो है ना गाइड करूँगी। अब इसमें ये देखिए ई डिस्ट्रीब्यूशन है ठीक है। इनके साथ ये देखिए इनका फॉर्म है ये ओपन ये फिल करें या फिर इनकी ईमेल और फ़ोन नंबर या तो टॉप से या बॉटम से आपको मिल सकता है या फिर फेसबुक लिंक होता है ठीक है। ये देखें इनकी ईमेल यहाँ पे है और फ़ोन नंबर इन्होंने टॉप पे ही हमें प्रोवाइड कर दिया कॉन्टैक्ट अस में। एनी हाउ इनसे हम ईमेल या फ़ोन नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनसे अप्रूवल ले सकते हैं आप। जैसे कि किंग होलसेल पेट सप्लाइज है डेफिनेटली पेट के रिगार्डिंग इसके पास बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। फ्री शिपिंग भी प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ पर क्लिक करते हुए रजिस्टर। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि ईमेल और फ़ोन नंबर मिल जाए बहुत अच्छी बात है। आप उनको ईमेल कर सके और ईमेल भी कर सकते हैं या फिर रजिस्टर वाला ऑप्शन हो तो उसको आपने नहीं स्किप करना। आप रजिस्टर पर क्लिक करते हो उनका जो फॉर्म ओपन होगा ना उसको भी आपने फिल करके उनके अकॉर्डिंग फॉर्म को भी कंपलसरी फिल करना है ठीक है। ये नहीं सोचना कि ईमेल कर दिया और इट्स इनफ ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। आप उनको फॉर्म जो होगा ना उनका वो भी आप फिल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने टॉप पे हमें जैसे कि प्रोवाइड कर दिया ईमेल और फ़ोन नंबर। सो एज सच ये कॉन्टेक्ट अस पे जाएँ प्रोवाइड भी इनका जो है ना आपको फाइंड आउट हो जाए फॉर्म ठीक है। ये जिस तरह से वो बता रहे हैं यहाँ पर आप नेम एंटर करेंगे ईमेल एंटर करेंगे और अपनी जो प्रोफेशनल डोमेन होगी इसके अलावा आप फ़ोन नंबर एंटर करते हुए यहाँ पे मैसेज राइट करेंगे वही जो टेम्पलेट मैसेज आपने बनाया होता है वो आप अपना मैसेज इनको कन्वे करेंगे रजिस्टर के थ्रू ठीक है। नेक्स्ट ये है कि कलर के डिस्ट्रीब्यूशन है और इनके साथ भी जो है काफ़ी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं इनके पास ठीक है। कुछ तो इन्होंने कुछ जो है इनमें से आपको कैटलॉग भी अवेल करेंगे ठीक है। इनसे आपने कंफर्म कर लेना है कि कैटलॉग हमें प्रोवाइड कर दें तो डेफिनेटली एक्सेल फॉर्म में इनके पास कैटलॉग अवेल होगा तो ये आपको सेंड करेंगे नहीं तो फिर डेफिनेटली मैनुअल आपको इनकी वेबसाइट से ही चीज़ों को एक्सप्लोर करना होगा प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी होंगी। अच्छा जी ये है ACD डिस्ट्रीब्यूशन और इनका जो है वर्ल्ड वाइड जो है ये प्रोडक्ट्स सप्लाई करते हैं। इनकी विद इन 2 डे 2 से 3 दिन के अंदर शिपमेंट जो है ये प्रोवाइड करते हैं और इनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी ये है पेंट्रम। सो पेंट्रम से भी आप एक्सप्लोर कीजिएगा इनका ईमेल और फ़ोन नंबर अवेल है इनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छा ये देखें ये जो उन्होंने ब्रांड्स बताए हुए हैं ना इनसे आपने भी कंफर्म करना नहीं भूलना। कैरियोला ब्रांड है और जो भी ये ब्रांड्स शो हो रहे हैं बिगजन तो इनसे आप ईमेल करके कंफर्म कर सकते हैं कि आइदर ये डिस्ट्रीब्यूटर आपका ऑथेंटिक वन डिस्ट्रीब्यूटर है कि नहीं वो आपको बता देंगे। मैंने आपको एक बात बताई थी प्रीवियस लास्ट टाइम भी आपने अगर कहीं से ईमेल फाइंड आउट ना हो रही हो तो आपने ये देखिए फेसबुक लिंक है यहाँ पे क्लिक करना है
और यहाँ पे अबाउट अस वाले ऑप्शन ऑप्शन से ना आपको ईमेल फाइंड आउट हो जाएगी। अच्छा ये है स्टर्लिंग, और स्टर्लिंग ब्रांड, ये इनका ब्रांड भी है, इनका डिस्ट्रीब्यूटर है, तो यहाँ से भी आप जो है ना ये देखें होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने स्पेसिफिक हाईलाइट किया हुआ है। किसी भी वेबसाइट पे आइदर टॉप पे या बॉटम पे आपको होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन या होलसेल का कोई ऑप्शन शो हो रहा होगा ना, उसको स्किप नहीं करना, आपने उसको मस्टली एक दफ़ा गो थ्रू करना है, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग या तो वो फॉर्म देंगे आपको, और उसके उस फॉर्म को फिल करना होगा, या फिर वो आपको ईमेल और स्पेसिफिक करके बताएंगे ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, आप इनसे रابطہ करें। ये देखिए इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स है, और ड्रॉप शिपिंग प्रोग्राम भी करवा रहे हैं बाकी, यानी हाँ इनसे। अच्छा ये जो उनको ये कस्टमर प्राइजेस आपको शो कर रहा है, जब आप इनसे ईमेल या इनसे वो करेंगे ना होलसेल अप्रूवल लेंगे, तो ये आपको फिर होलसेल प्राइजेस देगा, वो बहुत अच्छी प्राइजेस होती हैं इनकी। तो ये कुछ डिस्ट्रीब्यूटर थे, और मैंने सोचा मैं आपको बताऊं, इनसे आप कांटेक्ट करें, और इनसे जो है ये देखिए कुछ ने कैटलॉग जो है अवेल किया होता है, कुछ जो है वो कैटलॉग अवेल नहीं करते, उनसे आपको मंगवाना पड़ता है, ठीक है। चले जी, यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है तो जो लास्ट टाइम हमने शिपमेंट का पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग भी अगर है तो क्वेश्चन आंसर सेशन करें वन बाय वन। जी कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? जी जी अब्दुल वाहिद आप कंटिन्यू करें। मैम, जो शिपमेंट की प्रैक्टिस हम करेंगे वो डमी अकाउंट पर करेंगे? शिपमेंट अगर तो आपका अपना अकाउंट है ना, तो आप अपने अकाउंट पे कर सकते हैं प्रैक्टिस, लेकिन अगर नहीं है तो डेफिनेटली आप, मैं एक लिंक प्रोवाइड करूंगी, मैंने डमी अकाउंट का लिंक बताया हुआ है कि कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, तो डमी अकाउंट को क्रिएट करते हुए आप ये प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। जी, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? अच्छा ये लास्ट टाइम जो है कीपा किस किस स्टूडेंट का जो है काम कर रहा है, कीपा कंफर्म करें ना ज़रा, क्योंकि आजकल जो है ये मेजोरिटी स्टूडेंट का वैकेंट इशू आ रहा है, मेजोरिटी जो अमेज़न पे काम कर रहे हैं। आप में से किसी का टूल प्रोवाइडर का एक्टिवेट हुआ है कीपा टूल? नो मैम, चलें कोई मसला नहीं है, आप ऐसे करें, ये जो है ना असाइनमेंट का मैं थोड़ा आपको इसीलिए इस वीकेंड पे जो है ना डिले हुआ है असाइनमेंट की तरफ से मेजोरिटी स्टूडेंट का, बल्कि मुझे सिर्फ एक आध स्टूडेंट की असाइनमेंट रिसीव हुई होगी, उन्होंने भी मैनुअल वे से की है, तो कोई मसला नहीं है, ये चलें बैकएंड इशू सबका ही था। आप ऐसे करें कि कमिंग सैटरडे से पहले जो है ना ये आप लास्ट टाइम जितनी भी आपकी मैंने असाइनमेंट्स वगैरह आपको असाइन की हुई हैं वो आप सबमिट करवाएं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कंफर्म फिर करूँगी आपको। और बाकी मैंने बताया था साइड बाय साइड आप डिफरेंट ई कॉमर्स के ग्रुप्स में एक्टिव रहें, तो मेरे ख्याल में उसको आप अप्लाई नहीं कर रहे, उसके लिए कीपा टूल तो कंपलसरी नहीं है ना, आपने नॉलेज शेयर करना है, तो वहाँ पे कितने स्टूडेंट एक्टिव हैं? मेरे ख्याल में कोई एक आध स्टूडेंट भी एक्टिव नहीं है। देखें यहाँ पे जब आप ऑनलाइन फील्ड में काम करते हैं ना, तो यहाँ पे एक्टिवनेस की विजिबिलिटी बड़ी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, मैंने लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट भी एलेबोरेट भी किया था, और कमिंग इंशाल्लाह क्लास में मैं इसको मज़ीद एलेबोरेट करूँगी किस लेवल का वर्थ रखती है ये चीज़ मैं जो आपको बता रही हूँ, कि आपने एक्टिवनेस दिखानी है, अपनी विजिबिलिटी दिखानी है, तो इन दैट केस डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी अवेल होंगी, अदर देन दैट किसी को आइडिया नहीं होगा कि फ़लाँ पर्सन ने जी अब्दुल वाहिद ने अमेज़ोन का कोर्स किया है, किसी को आइडिया नहीं होगा जब तक अब्दुल वाहिद अपनी विजिबिलिटी नहीं बनाएंगे, तो इसलिए जो है ना इन चीज़ों को मस्टली इंप्लीमेंट करें, और जितना पॉसिबल हो सके इन ई कॉमर्स के ग्रुप्स में एक्टिव रहें, और एज वेल अपनी प्रोफाइल पे काम करें, ये नहीं है कि सिर्फ प्रोफाइल पे काम कर लिया और ई कॉमर्स के ग्रुप्स में एक्टिव नहीं रहना, दोनों ही कंपल्सरी है, आइदर वो पोस्ट आप अपनी डिफरेंट ग्रुप में लगा रहे हैं तो अपनी प्रोफाइल पे भी लगाएं, तो इन डैट केस डेफिनेटली आपकी विजिबिलिटी बनेगी। एनी हाउ आप वहाँ पे एक्टिव रहा करें, क्यूरीज के आंसर किया करें, कोई भी आपको
वहाँ से कभी भी आपको अपॉर्चुनिटी अवेल हो सकती है। इन चीज़ों को मस्टली इम्प्लीमेंट करें। ई कॉमर्स के 3 ग्रुप्स हैं इस टाइम पे नेपलर वालों के, वो बहुत एक्टिव हैं, मस्टली उनको ज्वाइन करें, उनमें ज़्यादा एक्टिव रहें, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। नेबलर बाय साकी बाजार, नेबलर यूथ क्लब के नेम से, और ई कॉमर्स बाय नेबलर, इस तरह के 3 ग्रुप्स हैं। माइट भी आप में से किसी ने ज्वाइन किए हुए हैं, अगर किए हुए हैं तो उनके लिंक शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन करें। तो उन ग्रुप्स में ज़्यादा विजिबिलिटी, यानी कि विजिबिलिटी आप जब बनाएंगे ना, तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेल होंगी। बाकी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। और एनी हाउ, अगर कोई भी क्यूरी हो आप इनबॉक्स में कंफर्मेशन कर लीजिएगा। इस वीकेंड पे मैंने आपको टास्क इसलिए असाइन नहीं किया बिकॉज मुझे लास्ट आपका असाइनमेंट रिसीव नहीं हुई। तो कमिंग क्लास से पहले लास्ट जितनी भी असाइनमेंट्स जिन जिन स्टूडेंट्स की रह गई हुई हैं वो पेंडिंग असाइनमेंट्स क्लियर करें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर लास्ट जो नेक्स्ट वीकेंड होगा ना, उसमें बाकी चीज़ों को कवर करेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।